हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल हमारे चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ इस नई रेसिपी का नाम है मैंगो सेवई सिव़ी। सेवैयाँ तो आप लोगों ने बहुत प्रकार से बनाकर खाई होगी पर एक बार इसे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक लीटर दूध लिया है इसी के साथ हम इलायची को क्रस करके इसमें ऐड करेंगे और दूध को उबाल लेंगे दूध का क्वांटिटी आप अपने अनुसार रख सकते हैं तो यहाँ पर सभी इंग्रेडिएंट रेडी हैं आप देख सकते हैं दूध में भी उबाल आ चुका है दो मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर सेवई ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक कटोरी मैंने सेवई लिया हुआ है सेवई को पहले से ही भून के रखा हुआ था मैंने अब सेवई को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे क्योंकि जब सेवई को हम गर्म दूध में डालते हैं तो वो एक दूसरे से चिपक जाता है तो उसे अच्छी तरह से पहले मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है हम सेवई को तब तक चलाते रहेंगे जब तक वो एक दूसरे से अलग ना हो जाए तो आप देख सकते हैं सेवई यहाँ पे लगभग तैयार ही हो चुका है इसी के साथ हम इसमें चीनी ऐड करेंगे तो चीनी आप अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं आपको जितना मीठा खाना पसंद है आप उस अनुसार ऐड कर सकते हैं अगर कम खाना पसंद है तो कम ऐड कर सकते हैं ज़्यादा खाना पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं अब इसमें हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे जिसमें कि मैंने सिर्फ काजू लिया हुआ है और काजू को दो भागों में कट किया हुआ है आप जो भी आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट आप वो ले सकते हैं अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर हमें मैंगो पेस्ट तैयार करना था जिसके लिए हमने गैस का फ्लेम ऑफ़ किया था हमने गैस का फ्लेम फिर से ऑन कर लिया हुआ है और इसे लो फ्लेम पर कर दिया है तो यहाँ पर सबसे मेन इंग्रेडिएंट है मैंगो क्योंकि मैं यहाँ पर मैंगो सेवई बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने एक मैंगो लिया हुआ था उसे छोटे पीसेस में कट करके और उसका पेस्ट तैयार कर लिया अब इसे सेवई में ऐड करेंगे और उसे मिक्स करते रहेंगे एक साथ ऐड नहीं करना है थोड़ा थोड़ा ऐड करके मिक्स करेंगे अब तो मैंगो का भी लास्ट सीज़न चल रहा है तो आप लोग एक बार इसे अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और बनाइएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली सभी मिलकर खाइएगा बहुत टेस्टी लगता है मैंगो पेस्ट अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है अब इसे थोड़ा सा उबाल आने देंगे बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है वरना बहुत ठीक हो जाता है बहुत गाढ़ापन हो जाता है इसीलिए थोड़ा कम ही उबालना है मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर रखा है आप लोग देख सकते हैं इसमें हल्का सा उबाल आ चुका है अब इसे हम मिक्स कर लेंगे फिर से मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर मैंगो सेवई बनकर तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है तो आप सभी को अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें क्योंकि हर वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और एक उम्मीद होती है कि मैं बना रही हूँ तो बहुत लोग इसको देखेंगे और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिएगा आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को बढ़ाने में आप लोग मेरी मदद करें ताकि मेरी ये जो भी रेसिपी है जो मेरे चैनल पर रेसिपी आती है वो बहुत सारे लोगों के पास पहुँचे तो आज के लिए मैं अपनी रेसिपी को यहीं पे समाप्त करती हूँ अगर आप लोगों को और भी रेसिपी के बारे में जानना हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में थैंक यू फॉर वॉचिंग